तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या है, कैसे काम करता है और किस तरह से ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है या हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बात करेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वीडियो है तो उसके लिए बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स होने वाले हैं, फंडामेंटल्स क्या क्या होने वाले हैं, इसका यूनिट क्या है, उसका टाइप ऑफ प्रेशर मतलब नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर, फिर उसके बाद इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं प्रेशर का, फिर कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और कैसे ये काम करता है, जैसे मेजर करेंगे तो कैसे काम करेगा, और उसके बाद फिर आपका कॉन्फिग्रेशन एंड कैलिब्रेशन, जिस हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इसको मेजर करेंगे तो उसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, कॉन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, और उसके बाद एडवांस एडवांस में इसको और बाकी इसके बारे में एडवांस बात करेंगे कि क्या क्या इसके बारे में और चीजें हैं। तो फंडामेंटल समझ लेते हैं इसका। फंडामेंटल्स जैसे इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्रेशर को मेजर करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको किसी प्रेशर में टैंक में या किसी जगह पे अगर प्रेशर अप्लाइड है तो उस जगह पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और मेजर कर लेते हैं। लाइक मान लीजिए ये कोई एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर कोई प्रेशर भरा हुआ है, तो हमको इसको मेजर करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पे कोई एक गेज लगा के पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से अभी प्रेशर है क्या चीज, तो इस सिलेंडर के अंदर जैसे जो भी चीज मटेरियल भरा हुआ है, कोई गैस भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, या कोई दो अलग अलग चीजें लिक्विड और गैस भरी हुई है, तो आपस में अपना जगह घेरती है, और वो जगह जो घेरती है उसको अगर हम प्रेशराइज करके भरेंगे तो वो बाहर निकलने के लिए ये कोशिश करेंगी, उस चीज को उसके सरफेस एरिया पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वही हमारा प्रेशर होता है जो एटमोस्फेयर से ऊपर निकल जाता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर जो 1 atm होता है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, उससे ऊपर निकल जाता है तो हमारा प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर हो जाता है, और अगर बिलो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है तो वो नेगेटिव प्रेशर होता है। अब बात करते हैं कि प्रेशर कैसे लगता है, कहाँ कहाँ लगता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि टोटल वेट मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है। अब ये कोई सिलेंडर है या मान लो अगर ये, तो अभी यहाँ पे हमने एक लिक्विड के बारे में बताया है कि एक कोई ओपन मान लीजिए एक ग्लास है, उस ग्लास में लिक्विड भरा हुआ है, तो इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है, अब लिक्विड ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये ग्रेविटी लग रहा है इसमें, और उसके साथ ही साथ अब ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगा ही रहा है, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि ग्रेविटी ही लग रहा है, अगर आप इसको पूरा भर देंगे तो क्या होगा, साइड से तो निकल ही जाएगा, तो वहां पे भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है क्योंकि वो अपना एरिया देख रहा है कि कितने एरिया में उसको रखा गया है और उस एरिया से वो कहाँ कहाँ निकल सकता है। तो वो चीज अगर वो सिर्फ लिक्विड है तो लिक्विड वो सिर्फ नीचे मतलब जो आपका ग्रेविटी है उसके साथ साथ अपने सरफेस एरिया पे भी लगाएगा, अगर वो सॉलिड है तो वो सिर्फ नीचे की तरफ ग्रेविटी प्रेशर लगाएगा, और अगर वो गैस है तो वो हर दिशा में, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं टैंक के अंदर कि वो हर दिशा में मतलब हर तरफ ऊपर भी नीचे दाहिने बाएं हर तरफ वो प्रेशर लगाएगा, तो इस तरह से आपका प्रेशर वर्क करता है। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की। तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। फिर होता है पीएसआई, पीएसआई का पूरा नाम है पाउंड पर स्क्वायर इंच। फिर उसके बाद होता है एमएमएसटूओ, एमएमएसटूओ का मतलब है मिलीमीटर वाटर बॉलर, और उसके बाद फिर आता है एमएमडब्ल्यूसी, इसी को आपका एमएमएसटू और एमएमडब्ल्यूसी इक्विवेलेंट है, लेकिन कहीं कहीं एमएमएचटू लिखा हुआ मिलेगा आपको और कहीं कहीं एमएमडब्ल्यूसी मिलेगा। फिर आता है पास्कल, फिर आता है किलो पास्कल, पास्कल में पास्कल एक छोटी यूनिट है, किलो पास्कल उसका 1000 टाइम, क्योंकि किलो जैसे आप जानते हैं कि 1000 यूनिट से है तो किलो पास्कल। फिर आता है बार, फिर आता है आपका टॉर और एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो फिर आता है पीएसएफ और एमएमएचजी, बहुत सारे ऐसे प्रेशर हैं, तो एमएमएचजी वगैरह रह गया तो उसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं जैसे अभी स्लाइड में। फिर उसका टाइप ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर क्या क्या होता है, किस तरह का होता है, तो एक हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब जो आपका नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ प्लस आपका जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक मैं आपको दिखा देता हूँ, एक टैंक है, इसके अंदर 1 kg का प्रेशर है और एटमोस्फेयर में आपका 1.2 kg का प्रेशर है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी आपका मान लो ये 1.2 kg, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.2 kg का प्रेशर एटमोस्फेयर में हो गया, और ये हो गया अंदर 1 kg प्रेशर, तो टोटल इसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आएगा आपका, 1 + 1.2 = 2.2
2 kg क्यों आएगा? देखिए ये 1 kg जो है ये तो अपने सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है बाहर निकलने के लिए। मान लीजिए एक बलून है, वो अपने आप को फाड़ने के लिए प्रेशर लगा रहा है कि हम फट जाएंगे 1 kg प्रेशर में। लेकिन जो 1.2 kg बाहर का एटमोसफेयर का प्रेशर है वो उसको दबाने पे लगा रहा है कि नहीं, हम तुमको बाहर नहीं निकलने देंगे, निकलने नहीं देंगे। इट मीन्स वो उस पे अपना प्रेशर लगा के उसके प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, जीरो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से ये प्रेशर हो गया, ये हो गया आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा है, और जो अंदर से लग रहा है उसके एरिया पे वो हो गया आपका जो उसके अंदर का प्रेशर है, वो तो गेज प्रेशर बोलते हैं। अभी इसको अंदर वाले प्रेशर को गेज प्रेशर बोलते हैं। अगर सिर्फ हम इस प्रेशर को मेजर करेंगे 1 kg, तो ये जो 1 kg आएगा आपका, ये 1 kg गेज प्रेशर, 1 kg गेज प्रेशर आएगा। और जो अगर हम 2.2 kg एब्सोल्यूट निकालेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। अगर कोई प्रेशर गेज आप देखेंगे उसमें यहाँ पे लिखा होगा कि जैसे मान लीजिए केजी यूनिट लिखा होता है हर एक प्रेशर गेज में, ये आपका पॉइंटर हो गया ऐसा दिखा रहा है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ, सीएम स्क्वायर, और यहाँ पे ए लिखा है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर दिखाएगा। और अगर वही चीज, वही प्रेशर अगर यहाँ पे जी लिखा हुआ आ गया तो ये गेज प्रेशर दिखाएगा। गेज प्रेशर में ये एटमोस्फेरिक प्रेशर को माइनस करके दिखा रहा है। तो अगर मान लीजिए आपका कोई एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे दिखा रहा है, तो जैसे अभी यहाँ पे गेज प्रेशर हमने एब्सोल्यूट के बारे में बात कर लिया, अब अगर एब्सोल्यूट प्रेशर दिखा रहा है वहां पे हमको गेज प्रेशर देखना है, तो क्या करना है? तो हमको क्या करना है कि जैसे मान लो ये 2.2 kg का एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे kg आया एब्सोल्यूट, अब हमको इसमें से गेज निकालना है, तो 2.2 माइनस जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसको घटा देंगे। एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है तो हमको यहाँ पे मालूम भी था पहले से, 1.2 है, तो 1.2 निकाल देंगे तो 1 kg आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह सॉरी गेज प्रेशर आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर में से तो हमने इसको घटाया ही है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर। अभी हम बात कर रहे हैं आगे, गेज प्रेशर हो गया हमारा, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, उसके बाद आता है हमारा वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो हमारा वैक्यूम प्रेशर कैसे काम करता है? अभी वैक्यूम प्रेशर क्या है कि नेगेटिव प्रेशर, जो माइनस प्रेशर हो गया, मान लो कोई एक ऐसा प्रेशर, कोई एक ऐसा जार है या कोई सिलेंडर है, उसके अंदर से हमने सारी हवा को निकाल दिया बाहर, तो ये जीरो हो गई अंदर हवा। हवा कब जीरो हो गई? जब एटमोस्फेयर का प्रेशर और इसका प्रेशर, ढक्कन खोल दिया आपने तो ये बराबर लगने लगा, तो ये जीरो हो गया। अब इसको अगर हम और एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे लेके जाते हैं, अंदर का प्रेशर और कम कर देते हैं, अंदर प्रेशर बचा ही नहीं है, बाहर का प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है, जिसमें कभी कभी आपने सुना होगा सबमरीन वगैरह अंदर जाती हैं समुद्र के अंदर, तो उनके अंदर तो प्रेशर नहीं होता है, एक ऑक्सीजन का नॉर्मल प्रेशर होता है, लेकिन जितना नीचे वो जाती जाती है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगते जाता है। तो क्या होता है, मान लो एक समुद्र का एक सबमरीन है, ऐसा एक वेसल है, उसके अंदर अब प्रेशर लग ही जा रहा है, लगे जा रहा है, वो नीचे जाती जा रही है, तो क्या होता है, ये अंदर से पिचक जाती है, इसको इम्प्लोजन बोलते हैं। तो जो इम्प्लोजन हो जाता है, जो पॉजिटिव प्रेशर में अगर कोई सिलेंडर फटता है तो वो क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, और जो ये नेगेटिव प्रेशर में पिचक जाती है वो इम्प्लोजन होता है। तो ऐसा इम्प्लोजन हो जाता है, और इम्प्लोजन होने से फिर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है, तो जो नेगेटिव प्रेशर होता है उसी को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम आपने घरों में देखा होगा, वैक्यूम क्लीनर वगैरह, वो सक करके नीचे से जो कचरा या डस्ट पार्टिकल्स होता है उसको अंदर लेके जाता है, तो इस तरह से आपका वैक्यूम प्रेशर होता है। फिर अब टाइप्स ऑफ प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो हमने भी बात कर ही लिया है इसके बारे में कि हमारा गेज प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, वैक्यूम प्रेशर हो गया। अभी वैक्यूम प्रेशर में ये अंदर की तरफ लग रहा है, जैसा कि हमने अभी आपको बता ही दिया कि वैक्यूम प्रेशर इस तरह से लगता है। फिर आपका आ गया मेजरमेंट के बारे में, बात करते हैं कि मेजर कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए भी प्रेशर गेज है हमारे पास, जो कि बर्डन ट्यूब, मान लो सी टाइप, ऐसा जो क्वेश्चन मार्क होता है उस तरह का एक सी टाइप बर्डन ट्यूब लगा होता है प्रेशर गेज में, या स्प्रिंग का ये हेलिकल टाइप लगा होता है, तो इस तरह से अगर कुछ लगा हुआ है तो वो हो गया आपका हेलिकल। फिर आता है प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर होता है जिसमें डायफ्राम लगे होते हैं, कैपेसिटिव डायफ्राम की वजह से मेजर करता है। फिर डीपीटी आता है, जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर होता है, डीपीटी, उसको मेजर करते हैं। इससे हम एब्सोल्यूट और आपका गेज प्रेशर दोनों मेजर कर सकते हैं डीपीटी से। फिर आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर तो बहुत बेसिक चीज हो गया, जैसे यूट्यूब मैनोमीटर वगैरह होता है, इसको यूज करने के लिए या मेजर करने के लिए। फिर आता है प्रेशर स्विच, जब हमको कहीं डीआई कॉन्टेक्ट चाहिए होता है तो वहां पे हम प्रेशर स्विच वगैरह यूज करते हैं। जनरली अब आजकल तो डीसीएस और पीएलसी में एडवांस सिस्टम आने लगे, जिसमें हम प्रेशर ट्रांसमीटर को जो एआई लेके जाते हैं उसी एआई को हम चेंज कर लेते हैं अपने डीसीएस में, डिजिटल ब्लॉक में,
मतलब हमारा एक डिजिटल ब्लॉक आता है, उसमें हम एक कट ऑफ वैल्यू सेट करते हैं, उस कट ऑफ वैल्यू के बाद अगर उसको हिट करेगा तो ये आपका DI पॉइंट जनरेट हो जाएगा, DI मिलने लगेगा। इस तरह से अभी हम चेंज कर रहे हैं, तो प्रेशर स्विच धीरे धीरे इसको हम हटाने लगे हैं इंडस्ट्री से। फिर कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, बेलोज होते हैं, इन चीजों से हम मेजर कर पाते हैं अपने प्रेशर को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेशर गेज, जैसे जिसका अभी हम बात कर रहे थे, ये सी टाइप बर्डन ट्यूब है। तो इसका आपका ये जो इसमें इसका बर्डन ट्यूब है, बर्डन ट्यूब में जब प्रेशर हम भरेंगे तो ये प्रेशर जाने से क्या होगा, ये चीज ऊपर उठना चाहेगा, मतलब खुलना, सीधा होना चाहेगा। और सीधा होने के लिए यहाँ पे जो ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये स्केल को मूव करा देगा, स्केल मूव होने से हमको यहाँ पे प्रेशर दिखाने लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया हमारा प्रेशर गेज। प्रेशर गेज के बाद अब हम आगे आते हैं, देखते हैं हमारा DPT और PT कैसा होता है। तो ये हमारा नॉर्मल प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, जो कि आप देख सकते हैं, ये हो गया। और DPT हो गया ये, जिसमें एक प्रेशर और दूसरा प्रेशर, दोनों प्रेशर लगेंगे। अब दोनों प्रेशर को वो डिफरेंस मेजर करेगा। मान लीजिए आपका एक प्रेशर इस पे लग रहा है 1 kg, इस पे लग रहा है 3 kg, तो अब प्रेशर डिफरेंस कितना आने वाला है, मतलब DPT में वैल्यू कितना आने वाली है, तो वो हो जाएगा आपका ये 3 kg और 1 kg हो गया। वो मायने, मतलब इसमें एक आपका होगा HP, ठीक है, हाई प्रेशर, और एक होगा LP, ठीक है। अगर मान लीजिए LP में 1 kg आ रहा है और HP में 3 kg आ रहा है, तब तो आपका क्या प्रेशर आने वाला है, 3 - 1 = 2। और अगर सेम यही उल्टा कर देते हैं, HP में आपका 1 आ रहा है और LP में आ रहा है 3, तो 1 - 3 करेंगे तो कितना प्रेशर मिलने वाला है, -2 kg, ठीक है। तो ये प्रेशर डिफरेंस को दिखाता है। अब मान लीजिए हमको एटमॉस्फेयर के साथ में हमको मेजर करना है, तो क्या करेंगे, इसके जो LP है उसको हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और इसको हम लगा देंगे जहां पे हमको प्रेशर मेजर करना है वहां लगा देंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए 5 kg प्रेशर आया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका जो भी है उसको निगेटिव करके डायरेक्ट ये 5 kg दिखाया। अगर ये 5 kg दिखा रहा है, इट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दिया गया है ऑलरेडी। तो अगर इसका एब्सोल्यूट प्रेशर देखना है, तो 5 kg + एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 kg + एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये आपका आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखते हैं हमारा ये DPT हो गया, ये नॉर्मल हमारा जो PT है, इसको इसलिए यहाँ पे डाल दिया हूँ क्योंकि ये मैनिफोल्ड इनबिल्ड आया हुआ है। मैनिफोल्ड क्या होता है, ये देख लीजिए कि अलग अलग इसका जो पाथ है, इसके अंदर जो एयर डालेंगे या कोई भी लिक्विड या मटेरियल डालेंगे जिसका हमको प्रेशर देखना है, तो उसके पाथ को देखने के लिए हम इसमें अलग अलग वाल्व लगाते हैं। ये हमारा निडल टाइप वाल्व होता है, तो ये निडल वाल्व होते हैं, इनको मैनिफोल्ड बोलते हैं, जो बहुत सारे लगे होते हैं तो इनको मैनिफोल्ड बोलते हैं। और ये उनके ब्लॉक करने के लिए और उसको ड्रेन करने के लिए तो आसान का सुविधा होता है, इसलिए इसको यहाँ पर दिखा दिया गया है। फिर आगे चलते हैं, तो यूट्यूब मैनोमीटर की बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया यूट्यूब मैनोमीटर। जैसे यहाँ पे प्रेशर, ये लिक्विड बराबर भरा है अगर, और यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जितना प्रेशर हम इस पे एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे उतना ये हमारा लिक्विड को ऊपर की तरफ बढ़ा देगा। अब जितना ऊपर चला जाएगा उसी हाइट को हम मेजर करके प्रेशर निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रेशर स्विच, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि DI हमारा कॉन्टेक्ट देता है। तो ये एक्चुअली एक कॉन्टेक्ट देता है, NO या फिर NC का कॉन्टेक्ट देगा। अब ये NO और NC किसको देगा, इसमें हम एक वोल्टेज देते हैं 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, या 220, 230, जो हमको देना है, या 110, तो वही वोल्टेज को वो रिटर्न कर देता है कॉन्टेक्ट जनरेट करके NO और NC के थ्रू। तो ये हमको मिल जाता है प्रेशर स्विच में। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेशर स्विच हो गया, अभी आगे आते हैं हम, ये मैनोमीटर वगैरह भी हो गया, इसके बाद आते हैं अगला, ये लेके प्रेशर स्विच के अंदर क्या है, कैसे काम करता है, ये दिखा देते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, तो प्रेशर स्विच के अंदर ये जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग लगा होता है, अभी ये स्प्रिंग आपका इस तरह से काम करेगा कि अगर प्रेशर इस पे लगेगा तो स्प्रिंग उसका अपोज करेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रेशर आएगा तो वो एक इनिशियल प्रेशर में ही हिट कर जाएगा, तो इसलिए प्रेशर के अक्रॉस जो प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोपोर्शनल ये स्प्रिंग इस पे ये लगाएगा कि भाई नहीं, जितना प्रेशर आना है उस प्रेशर के अक्रॉस, 3 kg प्रेशर है तो 3 kg को ये बियर करने के बाद ही स्प्रिंग इसको एक्चुएट करेगा, और यहाँ पे एक स्विच होगा, लिमिट स्विच, वो प्रेस होने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट मिल जाएगा आपको। सेम ये बर्डन ट्यूब वगैरह, जैसे अभी हमने आपको पहले दिखाई दिया कि इसके अंदर जब प्रेशर लगेगा तो ये सीधा होना चाहेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ये ऊपर जाएगा डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट होने से ये क्या होगा, पॉइंटर, पॉइंटर भी डिस्प्लेस होगा,
अभी इसको ऐसा लगा दिया गया है, यहाँ पे गियर लगा दिए गए हैं, तो ये जैसे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा तो ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव में प्रेशर दिखाना है, इसलिए यहाँ पे ये देखिए इस जगह पे इसको गियर्स लगाए गए हैं, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। और इसके अलग अलग पॉइंट्स के नाम है, इसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या नाम है। तो फील्ड में आपका जो पीटी और डीपीटी होता है कुछ इस तरह से इंस्टॉल होता है, देखिए ये आपके पीटी इंस्टॉल है और ये आपका जो ये वाला ये सिस्टम इंस्टॉल है, ये डीपीटी विथ मैनिफोल्ड है, ये मैनिफोल्ड का आपका एचपी और एलपी हो गया, ये इक्वलाइजेशन वाल्व हो गया, इस तरह से आपका फील्ड में इंस्टॉल मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्फिग्रेशन कैलिब्रेशन के लिए। तो टू वायर ट्रांसमीटर आप लोग जानते हैं, टू वायर थ्री वायर फोर वायर ट्रांसमीटर क्या होता है और हार्ट कैलिब्रेशन क्या है, तो मैं अब थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर देता हूँ कि टू वायर जो होता है वो उसमें क्या होता है कि एक आपका पॉजिटिव वायर जाएगा एक नेगेटिव वायर जाएगा, और इसी में आपका क्या होगा मिलियम्स चेंज होगा। इसमें मान लीजिए 24 वोल्ट, मान लीजिए मतलब क्या कि 24 वोल्ट, कहीं कहीं पे इसमें 20 वोल्ट भी दिया जाता है, जिसके बाद जैसा पावर सप्लाई होता है वो पावर सप्लाई इसमें देते हैं 24 वोल्ट। अब ये 24 वोल्ट इसमें कंटिन्यू जाता रहता है, लेकिन यहाँ से जो प्रेशर मेजर होगा वो कैसे मेजर होगा, भाई दो ही वायर है तो इसमें करंट का जो चेंज होगा मिलियम्स जो आएगा वो हमारा आएगा इन दोनों वायर्स में 4 to 20 मिलियम्स के बीच में आएगा, 4 to 20 मिलियम्स आएगा। 4 to 20 मिलियम क्यों आता है, तो इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं, लाइव जीरो की वजह से हम 4 मिलियम्स रखते हैं और वो आप वीडियो देखने से पता चल जाएगा। फिर थ्री वायर ट्रांसमीटर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव वायर हो गया, एक निगेटिव वायर हो गया और एक सिग्नल वायर हो गया। इसमें हम पॉजिटिव पावर देंगे, इसमें हम निगेटिव पावर देंगे, इसमें हम सिग्नल देंगे, जो हमारा सिग्नल 4 to 20 मिलियम्स होगा वो देंगे, 4 to 20 मिलियम्स। अब ये पॉजिटिव के लिए इसमें हम पावर सप्लाई जोड़ देंगे, इसमें नेगेटिव का पावर सप्लाई, और इसी को कॉमन कर देंगे सिग्नल के साथ और ये सिग्नल का एक वायर चला जाएगा। तो ये थ्री वायर हो गया हमारा और थ्री वायर सिस्टम पे हमारा काम करेगा। फोर वायर में क्या होता है, फोर वायर के लिए हम अपना ये कर देते हैं कि भाई हमारा फोर वायर लेना है तो एक और वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, और जो यहाँ पे हमने सिग्नल को कॉमन कर रखा था नेगेटिव के साथ उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट सिग्नल का माइनस दे देंगे, और यहाँ पे सिर्फ पावर का जाएगा, पावर का नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे सिग्नल का नेगेटिव जाएगा। फिर हार्ट कैलिब्रेशन, हार्ट कैलिब्रेशन के लिए हमारा हार्ट आता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर बोलते हैं उसको, उसको लगा के हम इसमें कैलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद इसमें डैम्पिंग और सिग्नल क्या होता है, तो डैम्पिंग हो गया जैसे हमारा कितना रिफ्रेश रेट, जैसे आप ये मान लीजिए आज के टाइम में रिफ्रेश रेट होता है कि हमारा कितने टाइम के बाद वैल्यू को अपडेट करेगा। ट्रांसमीटर में तो कंटिन्यू वैल्यू चेंज हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है 2.3, अगले ही नैनो सेकेंड में आया 2.1, फिर 2.3, तो डैम्पिंग हमने मान लीजिए 1 सेकंड डाल रखी, 1 सेकंड के अंदर 2.3 से 2.1 हो गए, फिर 2.3 हो गया, तो ये 2.3 ही कंटिन्यू बना रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेंड आएगा वो स्ट्रेट आएगा, नहीं तो क्या होगा हमारा ट्रेंड ऐसा फ्लक्चुएट होता हुआ बहुत सारा आएगा, तो उससे क्या होगा कि प्रोसेस चलाने में थोड़ा असुविधा होता है, तो उसको हम सुविधा के लिए डैम्पिंग वैल्यू डाल के रखते हैं, जहाँ हाई एक्यूरेसी चाहिए वहाँ हम डैम्पिंग कम करके रखते हैं। फिर सिग्नल 4 to 20 मिलियम्स जिसके बारे में हमने बता दिया, लाइक जीरो और 4 to 20 मिलियम्स की, 4 मिलियम्स हमारा जीरो काउंट होता है और 20 मिलियम्स 100% काउंट होता है, तो इस तरह से ये काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन, तो कहाँ इसका यूज होता है, तो लॉजिक वगैरह में यूज होता है। लॉजिक मान लीजिए कोई प्रेशर है, जैसे मान लीजिए एक आपका कोई वेसल है उसके अंदर आपने प्रेशर भरना शुरू किया, प्रेशर आ रहा है और ये आपका आउटलेट हो गया, अभी प्रेशर आता जा रहा है आता जा रहा है, ये एक सर्टेन प्रेशर मान लीजिए इसमें 80% प्रेशर आ गया, उस 80% पे इसमें क्या है एक कंप्रेसर लगा हुआ है, वो कंप्रेसर चलना है, तो 80% जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो कंप्रेसर चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका यहीं पे प्रेशर जब 20% आ जाएगा तब क्या करेगा, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20% पे ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा, बंद होना है क्योंकि फिर ये सेफ जोन के नीचे चला गया है, 20% के नीचे जाने से कंप्रेसर का सक्शन छूट सकता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए 20 और 80 पे हमने सेट कर दिया। जब हमारा प्रेशर 20 80 एक्सीड करेगा तब चलना शुरू होगा, और वो तब चलेगा जब तक 20% के नीचे जाने के लिए ना आ जाए, 20% हिट ना कर दे, फिर ये भरना शुरू होगा, प्रेशर आता रहेगा, और 21 25 ऐसे होते होते जब तक वो 80 फिर से नहीं पहुंच जाएगा तब तक प्रेशर नहीं, हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। नेक्स्ट फिर हम यूज करते हैं अपना कंट्रोल में, मान लीजिए कोई प्रेशर है, प्रेशर का कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल वाल्व लगा देते हैं, कंट्रोल वाल्व लगा दिया, अब हम इसको दे रहे हैं दूसरी तरफ, अब इसका हमने देख लिया अभी कंट्रोल को हमने 35% पे हमने सेट कर रखा है, परसेंट मतलब उसका कुछ भी यूनिट हो सकता है, जो जिस भी यूनिट में रखा हो, तो 35% हम इसमें दे दिए हैं, अब ये 35% के आसपास ही इसको कंट्रोल करेगा, कभी ये 36 हो जाएगा तो कभी 34 हो जाएगा, और इसी के बीच में इसको ये कंट्रोल करता रहेगा। इसका एक ब्लॉक आता है पीटा ब्लॉक या पीआईडी कंट्रोलर बोलते हैं,
PID कंट्रोलर होता है, और उसमें एक एनालॉग ब्लॉक जोड़ के हम इसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर से उठाते हैं तो एक पीडा ब्लॉक होता है उसके थ्रू हम इसको करते हैं। फिर हमारा अगला आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कहीं कहीं हम ऐसा इसको यूज करते हैं कि जहाँ हम ना कंट्रोल करते हैं ना ही लॉजिक यूज करते हैं, लेकिन हम देखते रहते हैं कि भाई हमें क्या प्रेशर आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम कुछ फ्लेयरिंग कर रहे हैं, एटमोस्फेयर में वेंट कर रहे हैं, ऐसे ही उसको हवा में बहा रहे हैं, लेकिन बहाते टाइम भी हम ये देखेंगे कि भाई वहाँ पे कितना अमाउंट हम बाहर फेंक दिए या जला दिए, एटमोस्फेयर में छोड़ दिए, तो उसके लिए हम मेजरमेंट के लिए भी लगा के रखते हैं। फिर अगला आता है हमारा ऑटोमेशन प्रोसेस कंट्रोल। अगर हमारा कोई ऐसा प्रोसेस कंट्रोल जहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीजें चलनी है, तो वहां पे भी हम कंट्रोल करते हैं। वो लॉजिक और ये जो कंट्रोल फेनोमिना है, इनको ही बनाकर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल जो कि कॉम्प्लेक्स ये है, उसको मिला के बनाया जाता है। फिर आता है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल। क्लोज लूप कंट्रोल में भी हमारा यही सेम चीज काम करता है। क्लोज लूप कंट्रोल में जैसे हमारा कैस्केड मोड हो गया या फिर हमारा ऑटो मोड हो गया, तो उसमें कैसे काम करेगा, तो ये प्रेशर से कंटिन्यू अपना प्रेशर उठाता रहेगा, और उसी के थ्रू एक हमारा कंट्रोल वाल्व को फीडबैक जाता रहेगा कंटिन्यू। अब पीआईडी कंट्रोलर में फीडबैक इसका जाएगा, और ये कंट्रोल वाल्व को ऑप्शन देता रहेगा, ओपनिंग कमांड देता रहेगा, और जैसे ही ये एक सर्टेन पॉइंट को हिट करेगा, उसके बाद इसको ये फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ प्रेशर कंट्रोल हो गया है, फिर से ये इसको बंद करने लगेगा। ये हमारा क्लोज लूप कंट्रोल। 4 to 20 मिलियम्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया था कि 4 to 20 मिलियम्स से हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो ये हमारा एक 4 to 20 मिलियम्स के 2 वायर गए होंगे, और उसमें हमारा जो पावर वायर होंगे उसी में 4 to 20 मिलियम्स चेंज होगा, जिसका चेंज रेट को ये वहाँ पे हमारा डीसीए सिस्टम या पीएलसी सिस्टम मेजर करके और उसके बाद इसको काउंट करेगा। थैंक यू, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।